2019 लोकसभा का चुनावी परिणाम हर किसी को याद होगा, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद देश के अंदर किसी राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का प्रदर्शन 2019 लोकसभा चुनाव में किया, वहीं दूसरी तरफ मुंह की खानी पड़ी थी कांग्रेस को। कांग्रेस ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया वो काफ़ी निराशाजनक था, और इसके बाद ही उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। बात की जाए तो राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से ही जो पूरी कमान थी वो सोनिया गांधी के हाथों में थी, वो कार्यकारी अध्यक्ष चुनी गई थी। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस की कोर कमेटी की जो बैठक चल रही है उसमें एक बड़ा जो खबर है वो निकल कर सामने आया है। ये खबर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर है। बात की जाए तो कांग्रेस के बड़े नेताओं का मानना है कि एक बार फिर से कांग्रेस की जो कमान है वो राहुल गांधी के हाथों में दी जाए। बात की जाए तो कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने ये मांग की है कि वक्त आ गया है और जो चुनावी साल हैं, कई जगहों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अब एक बार फिर कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में हो। जहां दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक में ये बड़ा मांग रखा गया है, वहीं बिहार कांग्रेस भी चाहती है कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इसको लेकर जो तमाम बिहार कांग्रेस के नेता हैं वो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बिहार कांग्रेस के जो MLC हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने भी ट्वीट किया है। प्रेमचंद मिश्रा ने मांग की है कि वक्त आ गया है कि अब कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में दी जाए, फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। जिस तरीके की सियासत विगत कुछ साल में देश के अंदर हुई है, युवाओं की जो चर्चा है वो लगातार की जा रही है, तो कांग्रेस चाहती है कि एक बेहतर रणनीति के साथ वापस से राहुल गांधी कांग्रेस को लीड करे। जिस तरीके से माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है और जिस विश्वास के साथ प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को लीड कर रही हैं, वहीं कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका गांधी के साथ युवा चेहरा के तौर पर राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी को लीड करे। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि पंजाब में एक बड़ा जो उठापटक है वो कांग्रेस के अंदर देखने को मिला है। वहीं कई जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, हाल के दिनों में कांग्रेस को छोड़े हैं, तो कई तरीके के जो सवाल हैं उन सवालों के बीच अब जब राहुल गांधी को वापस से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा तेज है और बिहार में भी इसकी मांग उठ रही है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या सहसहमति से एक बार फिर राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, या जो कई राज्यों में कांग्रेस के अंदर उठापटक है उसका खामियाजा इस मुद्दे पर भी देखने को मिलेगा। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। We'll be right back.